महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। मामला बारशीटा काली में महागांव रोड का है, जहां मोहम्मद शफी की बंद पड़ी जीनिंग में कुछ लोग अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहे थे। सूचना के आधार पर अकोला एलसीबी के थानेदार शंकर सेलके ने एसपी बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में अपने दल के साथ छापामार कार्रवाई की। इस जगह से ड्रग्स बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही फैक्ट्री में इसे तैयार किए जाने वाले प्रतिबंधित नशीली सामग्री भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नशीली सामग्री के साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अकोला एलसीबी को बासी टकली के हद में एक जगह अमली पदार्थ का माहिती मिला था। उसको जब ये एलसीबी शंकर सेल के और उसकी टीम ने जाकर चौकसी किया, तो वहाँ पर एफिड्रिन नाम का एक प्रीकर्सर ड्रग, जो कि मेथएम्फेटामाइन, जिसको कॉमन भाषा में आइस क्रिस्टल मैथ जिसे बोला जाता है, उसका 5.5 kg से ज़्यादा वो मिला। इसके अलावा भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स वहाँ पर प्राप्त हुई। 2 व्यक्ति उसी समय वहाँ पर ताबे में लिए गए। आगे की चौकसी में और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इसमें रिकिसर बासठ टाकली पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल होके आगे की तपास DPI विजय चौहान NCP ये कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः ये रॉ मटेरियल्स का स्रोत कहाँ पे जाने वाला था, ये दो विषय के बारे में पुलिस आगे की तपास करेगी।